अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नई रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ मुजाफिर की। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले सोयाँ ले लें हमने एक पैकेट, और खोपा काट लिए बारीक सा। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, इसमें काजू है, पिस्ता है, बादाम है, और ये साथ हमने किशमिश ले ली। मेन आइटम जो हमें इसके लिए चाहिए वो यही है। इसके साथ हमें दो लेमन, क्योंकि हम लेमन जूस यूज़ करेंगे, और चीनी, दूध और देसी घी भी इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। दो कप दूध ऐड कर लिया हमने यहाँ पे देगची में। और हम इसमें चीनी एक कप ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके हम चूल्हे पर रख देंगे। इलायची, सब्ज़ इलायची 3 से 4 इसमें ऐड करनी है आपने। और अब हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही हमें देसी घी चाहिए, हम इसमें 1/2 कप देसी घी इस्तेमाल करेंगे। और देसी घी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की, आप देख सकते हैं, लिंक बायो में। एक अलग डेगची में घी गरम करने के लिए रखेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो सेवइयां हम इसके अंदर भून लेंगे। दूसरी तरफ दूध भी बॉयल हो रहा है, हमने इसको बीच में एक दफ़ा चम्मच हिला दी। नहीं, वैसे इतनी जल्दी बॉयल नहीं होगा। इसमें हमने यहाँ पे पिंक कलर यूज़ किया, लाइट सा पिंच। एक बेसिकली आप इसमें ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी अवेलेबल कलर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी देगची में देसी घी गर्म करना रख दिया हमने। आयल गर्म हो गया, अब हम इसमें सेवइयां भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना उनका जो है टेस्ट जलेगा आएगा। फिर अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, जो कि हमारा एक सेट होने सब अच्छी रहता है। यहाँ इसमें आधी किशमिश और आधा ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे, और बाकी हम ऊपर गार्निश करने के लिए रख लेंगे। हमने खोपा भी इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे साथ। और अब हम इसमें 1/2 ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे। जब इसमें मिल्क 1/2 ड्राई हो जाए तो हम इसमें 2 स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद दूध ना हल्का सा फटेगा, और बेसिकली यही मुजाफिर आपका जो है रेडी हो जाएगा। दूध ड्राई हो गया, फ्लेम लो कर दो और इसको 3-4 मिनट के लिए रख दो। बेहतरीन मुजाफिर, और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है रेसिपी। 15 मिनट्स लेती है ऑलमोस्ट। अगर आपके घर कोई भी सडनली गेस्ट आ जाए तो आप जल्दी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा।